शहर में घातक शस्त्र के साथ रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में दोस्त के जन्मदिन पर चाइनीज चाकू लेकर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले शुभम उर्फ प्रतीक हंसराज फुलझेले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक महेश सांगड़े के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ अजनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। शुभम फुलझेले के दोस्त का जन्मदिन पर हाथ में चाइनीज चाकू लेकर नाचने का उसके किसी दोस्त ने वीडियो बनाया। उसके बाद शुभम ने यह वीडियो शो रील के तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बारे में गुरुवार को पुलिस को पता चलने पर शुभम को दबोच लिया गया। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वाहन चुराता है। आरोपी पर कई आपराधिक मामले इसके पहले भी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। शुभम फुलझेले बालाजी नगर अजनी निवासी से बड़ा छुरा और वीडियो में उपयोग किया गया चाकू सहित करीब 1100 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। आरोपी को अजनी पुलिस के हवाले किया गया है। आज एक फेसबुक वर एक वीडियो वायरल झाला होता, ज्यामध्ये एक जन चाकू घेऊन बर्थडे पार्टी मध्ये नाचताना दिसत होता। युनिट 3 पथकातील एपीआय सचिन बोंडे आणि त्यांच्या पथकाने त्याबाबत माहिती काढून आणि त्याचा शोध घेऊन त्याला मेडिकल चौकीतून ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्याकडे एकूण 2 चाकू रिकवर केलेले आहेत आणि पुढील कारवाई करण्यात त्याला अजनी पोलीस स्टेशन येथे ताब्यात देण्यात आलेलं आहे। ह्याचं पूर्व रेकॉर्ड आहे, बॉडी ऑफेंडर आहे, अजनी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये राहतो आणि हा मजुरीचं काम करतो, याचं दुसरं कुठले असं काम वगैरे करत नाही तो। नाही, याबाबत काही माहिती प्राप्त नाही। आता पुढील तपास अजनी पोलीस करत आहेत, त्यामध्ये त्यांना ती माहिती मिळून जाईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।